उद्देश्य क्या है और इसका रिजल्ट क्या होगा ये बताओ। ऐसी रैलियाँ तो बहुत देखी होंगी तुम लोगों ने बचपन से लेके आज तक, इस रैली का मतलब बताओ क्या है, कैंडल मार्च निकाला क्यों? या ज़्यादातर युवा हैं, लड़कियाँ हैं, लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर। मैं सिर्फ इतनी सी बात कह रहा हूँ कि जिन चीज़ों को हम कर रहे हैं उनको करने से ज़्यादा आत्मसात करें। कहने का मतलब यह है कि हम अपने आप में जागरूक बने और यह जरूरी नहीं है कि हम प्रशासन के ऊपर निर्भर रहकर काम करें, हम अपने आप में भी अकेले लोगों को जागरूक कर सकते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ भीड़ में नारेबाजी लगाना तो बहुत आसान है। मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर एक एक व्यक्ति अपने जिले में सीट को उठाकर लोगों को जागरूक करे, बस मेरा इतना सा उद्देश्य है। क्योंकि अगर एक एक व्यक्ति आवाज़ उठाएगा तो इसका रिजल्ट जरूर निकलेगा। ऐसा नहीं कि अपन पांडाल में बैठे होते कथा सुनते हो पीछे फटकारा निकल लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इस काम का रिजल्ट निकलना चाहिए। यहाँ जितने लोग इकट्ठे हैं ये कुछ ना कुछ इससे सीखे और वो अपने आप में व्यक्तिगत तौर पर लोगों को मोटिवेट करें और जागरूक करें कि हम ये कर क्यों रहे हैं। प्रोटेक्शन के लिए आप भी जानते हैं, 3 साल की बच्ची के लिए ना तो हम गार्ड खड़ा कर सकते हैं और ना कभी पिता ये सोच सकता है कि 3 साल की बेटी के साथ ऐसा कभी हो सकता है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि समाज बदल रहा है, लेकिन अगर समाज बदल रहा है तो बदलने वाले हैं कौन? हम और आप जैसे लोग ही हैं, कोई दूसरा नहीं है बदलने वाला। ना उसके 3 कान होते हैं, ना 3 आँखें होती हैं, ना 2 मुंह होते हैं, करने वाला भी वही है। बस मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सब लोग मिलकर अपने आप में लोगों को जागरूक करें। बस मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। ये नहीं कि अपन ने कैंडल मार्च निकाला, घर पे गए, फेसबुक पे पोस्ट किया, व्हाट्सएप पे पोस्ट किया और फ्री हो गए। डजंट मैटर, अपन को ये सब नहीं करना है। अपन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि फोटोग्राफी करें, अपना सिर्फ उद्देश्य इतना सा है कि लोगों को जागरूक कर सकें। और मैं चाह रहा हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर जागरूक करें। एक चीज़ और, ये मैं ज़्यादातर लड़कियों को पढ़ाने वाला हूँ। अक्सर शिकायत सुनने को मिलती है कि लोग कमेंट करते हैं ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं। यहाँ जितने लड़के हैं और उनके कॉन्टेक्ट में जो भी है, उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, लड़कियाँ कुछ भी पहने, सोच हमें बदलना जरूरी है। नीयत मेरी खराब है, कपड़े उनके खराब नहीं है, ये विशेष ध्यान रखें। सोच को